दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के कारण बालकों को हो सकता है करोड़ों का नुकसान। एलुमिना गेट के सामने बालको प्रबंधन के कर्मियों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा श्रमिक कानून पर बदलाव किए जाने को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। एटक के द्वारा एलुमिना गेट के सामने दो दिवसीय धरना प्रदर्शन श्रम कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रम कानून पर बदलाव किए जा रहे हैं वह बदलाव ना करे, उस कानून को अपना वापस ले। बालको प्रबंधन को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण करोड़ों की क्षति हो सकती है क्योंकि कर्मियों ने प्रोडक्शन का कार्य है बंद कर दिए हैं। एटक श्रमिक नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार अगर श्रम विरोधी नीति को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। मैं जयप्रकाश यादव, बालको इंटक का महासचिव। आज जो दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है उसका सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य है कि केंद्र में बैठी सरकार जो श्रम कानूनों में परिवर्तन लेने लेकर के आने वाली है वो श्रम विरोधी कानून है, उसका हम लोग विरोध करते हैं, उसको वापस लेना चाहिए। जैसे जो नए नए सुधार के नाम से जो श्रमिकों के बांधने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे हम उसको दूर कराना चाहते हैं। इसके संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, महंगाई के संबंध में और किसानों के साथ में जो आंदोलन किए उसके संबंध में सारी चीजों को लेकर के दो दिवसीय आंदोलन, जो आम हड़ताल है वो जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम है। इसी तरीके से बालको अपने संयंत्र में भी हमने डिस्पैच को बंद करके हम एक मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो आगे और स्टेप उठा करके हम लोग इसको और कड़ा रुख अपनाएंगे। इसलिए ये दो दिवसीय आंदोलन अभी चल रहा है, आज ये पहला दिन रहा है, इसके बाद कल भी हमारा आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा।